चने से बहुत ही चटपटा और मसालेदार चने का अचार बनाऊंगी। इस अचार को आप साल भर के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। इसे आप रोटी चावल किसी के भी साथ खाइए, बहुत अच्छा लगेगा। इसे बनाने के लिए मैंने ये 1 किलो आम लिया है और ये मैंने 200 ग्राम चना लिया है। आम को तो मैंने धोकर अच्छी तरह से साफ करके इसे सुखा लिया है और चने को मैंने कुछ भी नहीं किया है। इसे मैं जिस तरह से मार्केट से लाई थी बस वैसे ही है, बस थोड़ा सा इसे धूप दिखा लिया है और इसे कुछ नहीं करना है। अब हम अपने आम को छीलेंगे। आम को छीलने के लिए मैं चाकू का उपयोग करूँगी, पीलर से नहीं छीलेंगे। पीलर से इसके छिलके पतले पतले उतरते हैं और मुझे थोड़े मोटे छिलके उतारने हैं। इस तरह से थोड़ा मोटा छिलका उतारेंगे तो अच्छा रहेगा। इसी तरह से मैं सारे आम के छिलके उतार लूँगी। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल में नए हैं और आपने अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़ोर से प्रेस करिएगा ताकि हमारे आने वाली और भी नई नई वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। सारे को मैं छील के तैयार कर लेती हूँ। सारे आम को मैंने छील लिया है। इसमें आप इस चने की जगह आप चाहे तो काबुली चना का भी यूज कर सकते हैं, प्रोसेस सेम रहेगा। बस इस चने की जगह आप काबुली चना ले लीजिएगा। अब इस आम को मैं क्रश करूँगी। इसके लिए मैंने ये कद्दू घसने वाला, घिया घसने वाला मैंने लिया है। इसमें इस मोटे साइड वाले तरफ से मैं आम को क्रश करूँगी, इसके लच्छे निकालूँगी। कितने सुंदर लच्छे आ रहे हैं। इसी तरह से सारे के लच्छे निकाल लेंगे। सारे को मैंने अच्छी तरह से क्रश कर लिया। क्रश करने के बाद इसे मैंने नापा तो ये 750 ग्राम हुए। इसके 250 ग्राम छिलके और गुठली में कम हो गए। तो अब मैं नमक उसी हिसाब से दूंगी। मैं नमक बताती हूँ, 1 किलो मतलब कि गुठली छिलका हटने के बाद के वजन को ही आप नाप माने और उसी हिसाब से आप नमक दें। मैं 1 केजी आम के अचार में 200 ग्राम नमक देती हूँ, लेकिन ये अब हमारा 750 ग्राम है तो नमक मैं 150 ग्राम दूंगी। और इसमें जो चना डालूंगी तो चने का कैलकुलेशन नहीं करते हैं क्योंकि नमक डालने से जो पानी छोड़ता है हमारे चने उसी में फूल जाते हैं और नमक का टेस्ट चने में आ जाता है। अब मैं इसे किसी बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र करूँगी। तो इसके लिए मैंने एक बड़ा बर्तन लिया है, लेकिन इसमें पहले मैं अपने चने को डाल दूंगी और इसमें मैं अपने इस आम के लच्छे को डालूंगी। इसे अभी हमें मिक्स नहीं करना है, सिर्फ ऊपर से ही इसी तरह से डालना है। सबको मैंने डाल दिया है। अब इसे मिलाना नहीं है। इसमें आप एक बात का ध्यान रखेंगे कि पहले चना डालेंगे और उसके ऊपर से ये क्रश किए हुए पूरे आम को फैला देंगे। इसे चलाना बिल्कुल भी नहीं है। ये मैंने 150 ग्राम नमक लिया है, इसे भी इसके ऊपर इस तरह से फैलाते हुए डाल देंगे। और ये मैंने 25 ग्राम हल्दी लिया है, इसे भी इसमें डाल देंगे। लेकिन इसे हमें चलाना नहीं है, सिर्फ इसके हल्का हल्का इसे इस तरह से कर देंगे। आज इसे पूरा फुल डे फुल नाइट इसे इसी तरह से छोड़ देंगे ताकि इसमें जो पानी निकलेगा वो सारा हमारा नीचे चने में जाएगा और तो फिर उसी से हमारा चना फूल जाएगा। और अगर इसे हम उलट पुलट कर देंगे तो फिर चना हमारा अच्छी तरह से नहीं फूल पाएगा। अगर आपको ये कद्दू घसने में अगर प्रॉब्लम हो तो आप इसे ग्राइंडर में भी ग्राइंड कर सकती हैं, मोटा मोटा ग्राइंड कर लीजिएगा। ये मैंने थोड़ा हरा मिर्च लिया है, इसे भी थोड़ा चॉप्ड करके इसमें डाल देते हैं। मिर्च मैंने काट के डाल दिया है, मिर्च मैंने ज़्यादा नहीं डाला है। और लेकिन ये एक बात का ध्यान रखिएगा, मिर्च में हमारा कोई मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए। मिर्च को आप बढ़िया से पंखे की हवा में पूरा फुल डे अच्छी तरह से सुखा लीजिएगा। मिर्च में भी थोड़ा भी मॉइस्चर होगा तो फिर अचार हमारा ख़राब हो जाएगा। अब इसे हम ढककर छोड़ देंगे और इसका जो ढकेंगे वो प्लेट भी बिल्कुल सूखा होना चाहिए क्योंकि अचार तभी ख़राब होता है जब इसमें पानी का कुछ भी अंश आ जाता है। चलिए अब इसे ढककर हम रख देते हैं। और इससे जो गुठलियाँ निकली थी इसे आप फेंकिएगा नहीं, आप दाल में सब्जी में डालकर इसे बनाइएगा, बहुत अच्छा इसका टेस्ट आ जाएगा सब्जी में हमारे। फुल डे और फुल नाइट के लिए मैंने इसे छोड़ दिया था। आइए अब इसे हम देखते हैं। देखिए हमारा किस तरह से नमक हल्दी सब इस तरह से बैठ गया। अब मैं आपको दिखाती हूँ चना हमारा कैसे फूल गया। उस तरह से मैंने डाला था इसीलिए
इसका जो भी पानी निकला वो नीचे आया, और फिर देखिए हमारा चना एकदम फूल गया है अच्छी तरह से। ओके, पूरा चना हमारा अच्छी तरह से फूल गया है। और सारे को हम मिला देंगे, सबको मैंने अच्छी तरह से मिला दिया है। और अब मसाला डालने के लिए मैं इस चम्मच का यूज़ कर रही हूँ, जिसे हम अपने किचन में रखते हैं। 3/4 चम्मच मैंने मंगरेला लिया है, 1 चम्मच ये मेथी है, इसे मैंने दरदरा कूट लिया है, और ये मैंने पीला सरसों लिया है, इसे मिक्सी में मैंने पीस लिया है। ये मैं 3 चम्मच डाल रही हूँ, थोड़ा कम लगेगा तो बाद में 1 चम्मच और डाल देंगे। 1/4 मैं ये गरम मसाला डाल रही हूँ, थोड़ा इसका ही फ्लेवर अच्छा आ जाता है। ये मैंने सरसों तेल लिया है, 2 कप है, इसे मैंने गरम करके ठंडा कर लिया है। तेल को बिल्कुल ही ठंडा करके डालना है, थोड़ा सा भी गर्म नहीं होना चाहिए। ये मैं हींग ले रही हूँ, ये 1/2 चम्मच से कम है, इसे हम तेल में डाल देंगे। हींग का फ्लेवर अचार में बहुत अच्छा आता है, इसलिए हींग को आप ज़रूर डालें। ये 1 चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च है, इसे भी हम तेल में डाल देंगे। तेल में मिर्च डालने से हमारे अचार का कलर बहुत ही अच्छा आता है। ये 1 चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च लिया है, इसे भी हम तेल में डाल देंगे। ये सौंफ है, जिसे मैंने मिक्सी में मोटा मोटा कूट लिया है, सौंफ का फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। ये मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ। इसमें जो जो सामान इंग्रेडिएंट्स मैंने दिया है वो सबको स्किप मत करिएगा, क्योंकि अचार में इन सबों का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सबको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब ये जो मैंने तेल है में मिर्च डाला है, इसे मैं 1 घंटे के बाद डालूँगी, अभी नहीं डालूँगी, 1 घंटे के बाद डालूँगी तो हमारा अचार का कलर बहुत ही सुंदर आएगा। अभी इसे ऐसे ही छोड़ देती हूँ, जब तक थोड़ा हमारा मसाला भी फूल जाएगा। और तेल में मैंने जो मिर्च डाला है, इसमें तेल में मिर्च का कलर भी अच्छा आ जाएगा, तब फिर हम अपने तेल को अचार में मिलाएंगे। अब हम इसमें अपने तेल को मिला लेते हैं। पहले इसे पूरा मिला ले अच्छी तरह से, और अब हम तेल अचार में डाल देंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी बनाई हुई रेसिपी पसंद आती है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिएगा और शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें, और साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी ज़ोर से प्रेस करिएगा, ताकि हमारी और भी जो भी नई नई वीडियो बने वो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। देखिए सारे अचार को मैंने मिला लिया है, अचार में तेल हमारा अच्छी तरह से मिल गया है। अभी आपको देखने में लग रहा होगा कि तेल कम है, लेकिन तेल कम नहीं है। जब अचार हमारा नीचे बैठेगा तब तेल अपने आप धीरे धीरे ऊपर की ओर आ जाएगा। अब आप एक सूखे किसी एयर टाइट कंटेनर में इसे रख दीजिएगा और सालों इसका मज़ा लीजिएगा। बस पानी का हाथ इसमें मत लगाइएगा, क्योंकि पानी का हाथ लगाने से अचार हमारा ख़राब हो जाएगा। और अनाज का हाथ भी मत लगाइएगा, पानी और अनाज अचार में लगते हैं इसके हाथ, तभी अचार हमारे ख़राब होते हैं। अचार हमारा बनके तैयार हो गया है, एक बार आप भी इस तरह से ज़रूर बनाइएगा। चलिए मिलते हैं अब अपनी अगली और भी अच्छी अच्छी और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।